वेल माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। माय डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा बात को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। मैंने बोर्ड पे क्यों लिखा है? मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट आज का पूरा टॉपिक हम लोग का ये है। बच्चे लोग, हम लोगों ने टेलर का सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने मेरिक का सिस्टम पढ़ा, अब मैं आपको हॉल से पढ़ाऊंगा, अगले दिन मैं आपको रोमन स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग कंप्लीट साउंड बनाना शुरू करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले पार्ट पार्ट में टॉपिक को हम लोग सीख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉल से स्कीम को पढ़ेंगे। हॉल से स्कीम जो है ना, आपको मैंने पढ़ाया था कि कोई भी वर्कर को पेमेंट करने का दो मेथड होता है। कोई भी वर्कर को पेमेंट करने का दो मेथड होता है, एक होता है टाइम रेट और एक होता है पीस रेट। तो टेलर वाला मेथड बोलिए, मेरिक वाला मेथड बोलिए, ये दोनों के दोनों मेथड टाइम रेट वाले थे, सॉरी पीस रेट वाले थे। आज हम लोग हॉल से स्कीम में बोनस निकालना सीखेंगे। टाइम रेट से अर्निंग कैसे निकलता है? तो टाइम रेट से अर्निंग कैसे निकलता है ये तो आपको पता है। कैसे निकलता है? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, नंबर ऑफ डेज वर्क इनटू रेट पर डे, एक दिन में कितना काम किया इनटू एक दिन का रेट कितना है, एक घंटा में कितना काम किया इनटू एक घंटा का रेट कितना है, ये हो गया टाइम रेट। कितना सप्ताह, कितना दिन, कितना घंटा आपने काम किया, उसका जब हम लोग अर्निंग निकालेंगे वो हम लोग का टाइम रेट हो गया। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हॉलसे ने क्या यूनिक बात कहा था? हॉलसे ने बोनस निकालना सिखाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग बोनस निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? बोनस। क्या निकालना सीखेंगे भाई साहब? बोनस। तो आज हम लोग बोनस निकालना सीखेंगे। आई होप आप लोग सभी बच्चे रेडी होंगे। रेडी है ना बाबू आप लोग? चलिए बोनस निकालना सीखते हैं कि बोनस हॉलसे ने क्या कहा था। तो हॉलसे का थ्योरी मैं आपको समझा दूं पहले, किसी को बोलिएगा मत आप। देखिए, हॉलसे के हिसाब से आपको टोटल अर्निंग निकालना है। अगर आपको टोटल अर्निंग निकालने बोलेगा ना, तो टोटल अर्निंग का मतलब होता है बेसिक अर्निंग प्लस बोनस। बेसिक अर्निंग मतलब क्या हो गया? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। और बोनस मतलब बोनस का फॉर्मूला क्या है? तो हॉलसे ने कहा था 50% ऑफ टाइम से, मतलब कोई भी वर्कर जितना टाइम बचाएगा उसका 50% उसको हम बोनस दे देंगे। देखिए, अगर हॉलसे के हिसाब से देखेंगे 50% ऑफ टाइम से आपको बोनस मिलेगा। बोनस का स्कीम यहां पे क्या है? यहां पे बोनस का स्कीम है 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। सर टाइम रेट मतलब, अगर घंटा दिया हुआ है तो एक घंटा का प्राइस, दिन दिया हुआ है तो एक दिन का रेट, बस समझ रहे बाबू? तो 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। भाई साहब, टाइम सेव का मतलब क्या हुआ? माय डियर स्टूडेंट, टाइम सेव का मतलब होता है कितना समय वर्कर बचाया है। मतलब देखो देखो, अगर हमको किसी भी वर्कर का टोटल अर्निंग निकालना होगा हॉलसे स्कीम में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सो व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ एनी एम्प्लॉई अंडर हॉलसे स्कीम, इन दैट सिचुएशन पहले बेसिक अर्निंग निकालेंगे, और बेसिक अर्निंग निकालने के बाद बोनस निकालेंगे। बोनस निकालने का फॉर्मूला होता है 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। सर 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट का मतलब, माय स्टूडेंट, टाइम सेव का मतलब होता है 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। देखो 50% को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, 50/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 इनटू टाइम सेव इनटू टाइम रेट। बहुत सारे बुक में आप 50% लिखा हुआ देखोगे, बहुत सारे बुक में आपको हाफ ऑफ टाइम सेव, मतलब जितना आप टाइम बचाओगे ना उसका 50% आपको मैं बोनस दूंगा। हॉलसे स्कीम में बोला गया है कि जितना आप टाइम बचाएंगे उसका 50% आपको बोनस दे दिया जाएगा। मतलब अगर मैं 10 घंटा का टाइम बचाता हूं ना, तो उसका 5 घंटा का मुझे बोनस मिलेगा। अगर मैं 4 घंटा बचाता हूं ना, तो मुझे 2 घंटा का बोनस मिलेगा। अगर मैं 12 घंटा बचाता हूं ना, तो मुझे 6 घंटा का बोनस मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू हॉलसे के हिसाब से आप जितना टाइम बचाएंगे उसका 50% आपको बोनस मिलेगा। जितना टाइम बचाएंगे उसका 50% आपको बोनस मिलेगा। सवाल यह है कि टाइम सेव कैसे निकालेंगे? मैंने आपको 10 घंटे दिए थे काम करने के लिए, टाइम अलाउड कितना हो गया? 10। स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया? 10। और आपने 6 घंटे में काम कर दिया। अरे वाह भाई वाह, मैंने आपको 10 घंटे दिए थे काम करने के लिए, आपने 6 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया। अरे वाह भाई वाह, गजब करते हो पांडे जी। 10 घंटा दिए थे काम करने के लिए और 6 घंटा में ही काम कर लिए, 4 घंटा बचा लिए। ये जो 4 घंटा तुम बचाए हो ना,
ये जो 4 घंटा आप बचाए हो ना, इस 4 घंटा के ऊपर 50% मतलब 2 घंटा का आपको बोनस पैसा मिल जाएगा। तो हॉलसे स्कीम में इफ यू वांट टू कैलकुलेट बोनस, सो फॉर दैट रीजन 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब जितना मैंने आपको टाइम दिया था, आपने जितना में काम कर दिया, तो जितना टाइम आपने बचा लिया है उसका 50%। देखो टाइम सेव का फॉर्मूला, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, इसी को दूसरा लैंग्वेज में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम भी लोग बोलते हैं। और एक छोटा सा सवाल है, रेट दिया हुआ 1.5 रुपया, टाइम अलाउड है 20 घंटा, टाइम टेकन है 15 घंटा, कैलकुलेट अर्निंग अंडर होलसेल, होलसेल स्कीम में अर्निंग निकालना है। ये पूरा बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना, पहले आप उसको लिख लीजिए, फिर मैं ये सम्स करके दिखाऊंगा। तो रुक जाइए, अभी कोई नहीं लिखेगा भाई। होलसेल स्कीम में अर्निंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? होलसेल स्कीम में बोनस निकालने के लिए, अर्निंग निकालने के लिए पहले आप नॉर्मल अर्निंग निकालेंगे, फिर आप बोनस निकालेंगे। और बोनस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ द टाइम सेव इनटू टाइम रेट। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम सेव का मतलब क्या होता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं सम्स बना के आपको दिखाता हूं।
आश्चर्याय। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को नहीं मिटाऊंगा, यही क्वेश्चन को मैं बना के आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए अभी का आपको अर्निंग निकालना है, हम एक छोटा सा चार्ट जैसा बना लेते हैं भैया, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अंडर हॉल्सी स्कीम। देखिए रुपीज पर्टिकुलर्स, चलिए सबसे पहले देखिए, आप देखना कि स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है क्या। देखो क्वेश्चन में ना स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम कितना घंटा दिया हुआ है, 20 घंटा। उसके बाद क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम भी दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ है, 15 घंटा। अब क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, रेट पर आवर कितना रुपया, 1.5 रुपया। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेना ना, आप निकाल लेना टाइम सेव। टाइम सेव कैसे आता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, एस माइनस ए, मतलब स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम में जाएंगे तो कितना घंटा होगा वो, 5 आवर्स। इस क्वेश्चन के हिसाब से पांच नंबर में हम निकाल लेंगे क्या, टोटल अर्निंग। तो माय डियर स्टूडेंट, टोटल अर्निंग निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, बेसिक अर्निंग प्लस बोनस। तो बेसिक अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इंटू रेट प्लस हाफ ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। टाइम टेकन कितना है, अब देखिए टाइम टेकन कितना घंटा काम किया, 15, और रेट कितना है, 1.5 रुपया, प्लस हाफ मतलब 50% ऑफ टाइम सेव कितना है, 5 घंटा, इंटू रेट कितना है, 1.5 रुपया। बस सवाल बन गया, 15 को 1.5 रुपया से कर देते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेटर लेके आइए ना, देखिए कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करते बाबू, ठीक है भाई हो जाएगा, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए कैलकुलेशन कर दे भाई, कैलकुलेटर नहीं खेल रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 15 × 1.5 हम लोग टोटल अर्निंग निकाल रहे, तो टोटल यहाँ पे लिख दे रहे आपको समझने में सुविधा होगा। टोटल अर्निंग निकालने के लिए या आपको समझाने के लिए देखिए, टोटल अर्निंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, बेसिक अर्निंग प्लस बोनस। बेसिक अर्निंग का फॉर्मूला क्या, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम टेकन इनटू 15 घंटा काम किया, 1.5 रुपया रेट था, इनटू हाफ ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना घंटा, 5 × 1.5 रुपया, देखो कितना, 22.50 रुपया इसका नॉर्मल कमाई होता है, प्लस बेटा को बोनस भी मिल जाएगा, 5 × 1.5 / 2 3.75 रुपया। तो टोटल मिलाकर के आप करोगे 22.50 रुपया प्लस 3.75 रुपया, तो आ जाएगा भैया 26.25 रुपया। फाइन एवरीबॉडी, सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज कॉपी, आप इसको कॉपी करिए, और माय डियर स्टूडेंट पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आपको एक छोटा छोटा सम ऐसा वैसा भेजते हैं, आप बना के दिखाना मुझे। तो देखो हम लोग क्या निकाले, टोटल अर्निंग निकाले। टोटल अर्निंग मतलब क्या, आप चाहो तो अलग से भी निकाल सकते थे, पहले बेसिक अर्निंग निकाल लेते फिर बोनस निकाल लेते। बेसिक अर्निंग कैसे निकलता है, कितना घंटा काम किया इंटू कितना उसका रेट है, टाइम टेकन इंटू रेट। और बोनस कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ टाइम से इंटू टाइम रेट, टाइम से इंटू टाइम रेट। ठीक है बाबू, प्लीज कॉपी करिए, प्लीज कॉपी करिए बाबू, फिर आगे बढ़ते।